तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाई। दोस्तों आज बहुत ही खास दिन है और आज हमारे साथ इंटरव्यू में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ में है डॉक्टर जय प्रफुल्ल लकड़ा जी। तो चलिए फिर उनसे कुछ समझने का प्रयास करते हैं आज की बातों को। तो सर सबसे पहले तो इनका स्वागत है हम का चैनल पर। तो पहला सवाल कर रहे थे तो आजकल जे मीटिंग करल गेल तो का मीटिंग रहे एकर लागि हम इंटर ऑडियंस कनेक्ट करने जाने का। आज हमने मान बोराघाट में छत्तीसगढ़ के आदिवासी मोर्चा कर जे कर्म सूची चलत है डुअर्स तराई आदिवासी जागृति अभियान, वो कर्म सूची का तहत यहाँ पर एक तो बैठकी रहा जे हमने मन अखड़ा कहला वो रहा जर माध्यम से हमने मन आदिवासी समाज के पूरा डुअर्स कर आदिवासी समाज के जोड़ थी मजबूत करो थी हमार संस्कृति भाषा शिक्षा स्वास्थ्य और एक ऊपर हमने चर्चा करो थी मंथन करो थी और देखो थे समाज में का का चिंताधारा है और इकर से का चीज आवेल जैसे लेके हमने मन आगे जा सकता। तो आगे कल समय में का विजन हो सके हमार जो विजन है कि कैसे करके आदिवासी समाज के हमने मजबूत करो ये डुअर तराई हमार है और इसके लेके को चिंता धारणा है कि यहाँ आदिवासी जे है वो चीज झलके चाहे पूरा इस क्षेत्र में झलके चाहे शिक्षा में झलके चाहे और जे भी एक क्षेत्र में उसको दिखे चाहे वही विजन है कि आदिवासी समाज मजबूत हो और हमारे जे दाबी दाबा है हमारे जे हक और अधिकार है हमारे जे पावना है उसके लिए हमने मन संगठित होकर संघर्ष करे सके। तो इकर में युवा मनकर भूमिका कितना है इकर में हमारे परिवार है कुकर में युवा मन कर बहुत अहम भूमिका है विशेषकर युवा और महिला मन कर और एक तो युवा कर ये आंदोलन हमने मन कह सको बहुत संख्या में युवा मन है युवा मन एक तो नया चिंताधारणा है एक तो सोशल मीडिया का जमाना है एक नया चिंताधारणा है और हमने मन का पूरा विश्वास है कि आगे वाले समय में आदिवासी समाज मजबूत हो एक नया चिंताधारणा के साथ आगे बढ़े। सर बहुत ही अच्छा बात कर रहे हैं तो हमें कुछ और भी चीज़ जानने चाहिए तो कि एक तो आदिवासी मन कर रहे थे आगे बढ़ाए थे एक किसान करके उमन के जागृत कर ये सब चीज़ लेके तो इनकर मन में किसान प्रकार का धारणा अलग तो इनकर मतलब शुरुआती समय आदिवासी समाज आज का तारीख में सबसे ज़्यादा मतलब कि पिछड़ा है मतलब कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा है इकर मतलब ये न कहे कि आदिवासी समाज के अंदर उचित रखे उचित गुण उचित रखे एक ही चीज़ है कि उस चीज़ का रिकग्निशन रखे उस चीज़ का पहचान रखे तो हमने चाहे कि उस चीज़ का पहचान हो और मैं अपन निजी जिंदगी में भी उस चीज़ के महसूस कर लूँ कि हमारे टैलेंट है हमारे स्किल है हमारे अच्छा चीज़ है उस चीज़ के कोनो पहचान नहीं उस चीज़ हुए पड़ी और धीरे धीरे महसूस होना कि हमारे समाज धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं कहाँ जाते तो कर हमारे कोनो इज्जत नखे हमारे कोनो काम नहीं होते ये सब चीज़ के महसूस करके लग के युवा मन एकजुट हो महिला मन एकजुट हो और हमने मन एकजुट हो से मजबूत हुए और हमने मतलब कोनो न कोनो जरूर हो सके तनिकर इस सोच का साथ में कितना कोई तनिक सहयोग दिले तनिकर साथ में साथ करने से कंधा मिला ताकि आदिवासी मन एक हो सके इकर में कोई मतलब कि कोई एक व्यक्ति नखे मैं भी एक व्यक्ति नखो इकर में बहुत सारा मतलब के सहयोगी मना है बहुत सारा सहयोगी मना है इकर में हमने मन कर हेमंत भाई है राज भाई है और उकर मतलब के सूरज भाई है उन्हें से कमील है अभय भाई है तो बहुत मनीता है निकिता है बहुत सारा आदमी मन इकर में जुट और ये तो खाली एक व्यक्ति का कोई सोच नहीं इकर में बहुत सारा व्यक्ति का सोच है और पूरा सोच और एक निचोड़ हमें मन कोशिश करो थे कि उसे सबके लेके आगे बढ़ो। तो अभी कहा जाते हैं आदिवासी बहुत समय से पिछड़ा है उनके आगे बढ़ाए के लिए बहुत सारा संवैधानिक अवसर मन भी जरूरी था वो सब चीज़ अभी भी पूरा हो मतलब कि हमने संगठन बना ही परिवार बना ही मतलब पहले कि हमने हमारे जो संवैधानिक अधिकार है निरंतर मतलब प्रतिदिन का हनन हो पहले नहीं तो हमने मन की संगठन बनाए कर परिवार बनाए कर संगठित होकर कोई आवश्यकता नहीं रहा
तो संविधान में बहुत सारा हमारे अधिकार लिखल है, लेकिन दुख कर बात, विडम्बना कर बात ये है कि उस चीज़ के पावे के लिए हमें संघर्ष करे होते, उस चीज़ के पावे के लिए भी कोई चीज़ आसान रखे, मतलब चाहे वो आरक्षण कर बात हो, चाहे शिक्षा कर बात हो, स्वास्थ्य कर बात हो, ये चीज़ है कि संविधान में पावे के लिए भी संघर्ष कर होते, और शायद ये संघर्ष भरा है हमारी जिंदगी, फिर भी हमने संघर्ष कर रही थी, यह आशा है कि आगे कल दिन उज्जवल हो और अच्छा हो हमारे समाज में। अभी कितना तो यहाँ थर्ड वर्ष में कितना तो बगान कर अभी यहाँ छोड़ रहे आज यहाँ लगभग हमने 10 से 12 बगान और बस्ती कर संगठन जुड़ल सदस्य मन और साथ में और भी नया नया सदस्य मन जीवन जाने के चाहते इच्छुक है वो सब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तुमने इतना समय मिला यहाँ के लिए शब्द कहला, और जिस प्रकार से आदिवासी मन कर लाइफ है तो उनके में सोच है तो आगे का समय में जरूर ही पूरा हो, ताकि संवैधानिक तरीके हो या भारत कर एकता अखंडता में हमें कहीं बराबरी अधिकार समानता बन। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमारे साथ में थे डॉक्टर जय प्रकुल लकड़ा जी, जो कि वरिष्ठ रूप में अभी हमने उनसे बात की और बहुत अच्छी बातें बताई आदिवासी समुदाय को लेकर और उनके संगठन को लेकर, तो हम उनका धन्यवाद जनाते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।